हमने कैंसर पैदा करने की सारी सुविधाएं पैदा कर ली है। हमारा पानी भी जो है ना वो इंडस्ट्री के हाथों में चला गया जी। तो पहले पानी जैसे नेचुरल नल से अवेलेबल था जी। अब वो भी जो है केमिकलाइज्ड हो गया, जूस भी सारे जो है टीन्ड कैंड हो गए, फूड को डैमेज करने के सारे हम लोग जो है साधन बनाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर हम हॉस्पिटल्स भी तैयार करते हैं। मैक्सिमम कैंसर जो इंडिया में लोगों को होता है उसके अंदर फ्राइड ऑयल्स का बहुत बड़ा रोल है। हम जो चीज खा रहे हैं वो सब केमिकल के साथ जुड़ गया है। जितना नेचुरल रॉ फूड होगा बॉडी की इम्यून सिस्टम बड़ी स्ट्रांग रहेगी। अभी मैं एप्पल बादाम खा रहा हूँ और मेरा दिमाग किसी बात को तनाव ले रहा है तो मेरा एप्पल बादाम भी मेरे को काम नहीं करने वाला है। क्यों? मैं तो बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर रहा हूँ। आजकल फलों में भी बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं। हमने पूरी सुविधाएं पैदा कर ली है, इसलिए कैंसर तो बच नहीं सकते। अभी 300% बोला है, अगले कुछ 2-4-5 सालों में इसको 500% भी बोल सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि चारों तरफ कैंसर को पैदा होने की पूरी तैयारी कर ली है सबने। नॉन वेज से बचे क्योंकि वो टॉक्सिक प्रोटीन्स है बॉडी के लिए। मिल्क प्रोडक्ट जो है वो बहुत नहीं के बराबर यूज करें, यानी तो कम से कम खाएं, क्योंकि वो बॉडी में पूरा हार्मोनल डिस्टरबेंस करता है। बॉडी ही सबसे पहले कैंसर की दुश्मन है जी। हमारे बॉडी में रोज कैंसर सेल डेवलप होते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं करते क्योंकि उनको सॉइल अवेलेबल नहीं होती। कैंसर में शुगर को तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। जो कैंसर है ना ट्यूमर, उसके 3 दोस्त है, एक तो शुगर, एक एसिडिक एनवायरनमेंट और एक नॉन ऑक्सीजन लेस एरिया। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैंसर बीमारी पर। क्या है ये बीमारी और किस तरह से इसे रोका जा सकता है, किस तरह से इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, कैसा आपका लाइफस्टाइल हो, कैसा आपका खान पान हो, कैसी आपकी दिनचर्या हो जिससे ये रोग आपके पास भी ना फटके। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट, नेचुरोपैथ, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर एनके शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। जिस तरह हमने आज ही रिपोर्ट देखी कि करीब 300% से ज़्यादा केसेस अब जो आ रहे हैं कैंसर के एनसीडी सेंटर्स में, और भारत की हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट है, ऐसा लग रहा है कि जिस भी हम किसी को जान रहे हैं उस कहीं ना कहीं उस सर्कल में लोगों में कैंसर पनप रहा है। कॉमन कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये आपको चौंकाता भी है और ये आपको डराता भी है। पूर्णिमा जी, वास्तव में क्या है कि हमने कैंसर पैदा करने की सारी सुविधाएं पैदा कर ली है। ओरिजिनली बता रहा हूँ मैं जी। आज से 50 साल पहले कैंसर वर्ड जो है बड़ी मुश्किल से कभी कभार सुनने में आता था जी। क्योंकि प्रोसेसिंग ऑफ फूड, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स जो थे वो समय ज़्यादा नहीं थे जी। तो प्रोसेस्ड फूड एक बड़ी वजह, बहुत बड़ा। देखिए इसमें क्या हो गया है कि सबसे पहले तो माइंड को लेना चाहिए, क्योंकि माइंड जो है जितना ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर्स इन चीज़ों में जीता है उससे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत लो होता है जी। और बॉडी में एक बड़ा एक डेंजरस केमिकल चेंजेस आने शुरू होते हैं। ये एक बहुत बड़ा उसके लिए प्लेटफॉर्म बना रहा होता है जी। अब उसमें ऐड करता है हमारा कि फूड इंडस्ट्री में अब जितना डैमेज हुआ है उतना डैमेज पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए अर्थ से जब हमारा गेहूं, चावल, दालें जो भी आती है, वो भी आज वो नीचे से पेस्टिसाइड्स वगैरह सारे बहुत सारे उसके अंदर वो डाला जाता है, केमिकल डाले जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। फिर उसके बाद में इवन लोग अगर नॉनवेज भी ले रहे हैं तो नॉनवेज में भी बहुत सारे जो है केमिकल और फर्टिलाइजर्स के वो अंश जा रहे हैं जी। अच्छा, और उसके बाद में प्रोसेसिंग ऑफ फूड इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि आज हमारे मैक्सिमम चीज़ें, जैसे इवन हमारा पानी भी जो है ना वो इंडस्ट्री के हाथों में चला गया जी। नहीं तो पहले पानी जैसे नेचुरल नल से अवेलेबल था जी। अब वो भी जो है केमिकलाइज हो गया। हमारे सारे खाने, भोजन, चाहे वो जूस हो, जूस भी सारे जो है टीन्ड कैंड हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होता जा रहा है कि जितना हम किसी भी चीज़ को ट्रीट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे ना, उतना बॉडी में उसका डैमेजिंग इफेक्ट आता ही जाएगा। तो अब देखिए, अब हमारे जीवन में मैदा है, चीनी है, रिफाइंड ऑयल्स है, सारे
धुले हुए चावल, धुली हुई दालें, धुल पॉलिश, सब कुछ पॉलिश किया हुआ है आजकल हम, जो आप कह रहे हैं मैदा, रिफाइंड ऑयल, इन सबको बंद कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए ना, हम कर क्या रहे हैं मालूम है, हम एक तरफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फूड को डैमेज करने के सारे हम लोग जो है साधन बनाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर हम हॉस्पिटल्स भी तैयार करते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि हम कैंसर पैदा करेंगे डेफिशिएंट फूड देकर, हम कैंसर पैदा करेंगे और उसके बाद आप जो है उसको ट्रीट करते रहें। अच्छा, दूसरा जो बहुत डेंजरस जो जोन है हमारे परिवार में वो है फ्राइड ऑयल्स का जी। क्योंकि अधिकतर मैक्सिमम कैंसर जो इंडिया में लोगों को होता है उसके अंदर फ्राइड ऑयल्स का बहुत बड़ा रोल है जी। क्योंकि अगर तेल घी हीटेड हो जाता है तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है जी। अगर हम वैसे घी मक्खन ऊपर से खा लें तो उतना प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है जितना पकाना, घी तेल को पकाना प्रॉब्लम है। और भारत का ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ पर घी तेल फ्राई ना हो रहा हो। तो जितने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, यूटराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और कई तरह के गाल ब्लैडर के स्टोन्स वगैरह जो बन रहे हैं, फाइब्रॉइड्स, ये सब इसके कारण डेवलप हो रहे हैं जी। तो इसीलिए हमारे खाने में फैट का जो उपयोग है वो डायरेक्ट नट्स से या सीड्स से लेना पड़ेगा, बजाय कि हम ये रिफाइंड ऑयल्स और इन सब फैट को जो है हम लोग जो फ्राई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो एक तो ये डीप फ्राइड से बचना चाहिए। हाँ जी, डीप फ्राइड तो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। कि आप खाने में तड़का लगा रहे हैं ये भी नहीं, तड़का देखिए दो मिनट वाला तड़का प्रॉब्लम नहीं है जी। ये जो डीप फ्राई जो चीजें होती है ना, जिसमें लंबे समय तक, हाँ जिसमें लंबे समय तक कोई चीज फ्राई होती है उसमें ऑयल जो है मतलब एक प्रकार से फ्रेगमेंट होकर टूट जाता है, एक टॉक्सिक कंपाउंड बन जाता है जिसको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। इसलिए उनसे बचना बहुत जरूरी है। और ऊपर से फिर क्या हो गया, डीप फ्राइड चीजों से बचे अगर आपको कैंसर से बचना है। और बाकी जितने भी हमारे खान पान जो चल रहे हैं उसमें आप देखोगे कि हर एक में कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, ये सब अब कॉमन हो गए ना। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड से बचे। कोई भी पैकेज्ड फूड से खाए देखिए, हर एक में विदाउट केमिकल, तो आपके अचार में भी आजकल सब तरह के प्रिजर्वेटिव्स आ गए। यानी कि हम जो चीज खा रहे हैं वो सब केमिकल के साथ जुड़ गया है। तो आप बचोगे कहाँ से जी। अच्छा देखिए, अभी तो हम न्यूट्रिशन माइंड की बातें कर रहे हैं, अभी तो पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अभी हमारा एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आसपास में चारों तरफ हम रेडिएशन से अटैक हो रहे हैं, वाईफाई जोन, मोबाइल्स, टीवी, कंप्यूटर्स और ये जो टीवी के टावर्स जी, सब हमारे आसपास पूरे रेडियोनिक जोन से एक्चुअली हमारे आसपास में, तो हम उससे बच नहीं सकते। तो वो सेल जो है कब तक फाइट करेगा, देखिए अगर इनर सेल हमारा स्ट्रांग होता है ना तो वो बाहर की चीजों को फाइट कर सकता है। अगर हमारा इनर सेल में भी ताकत नहीं है तो बाहर की चीजों को क्या फाइट करेगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे वर्ल्ड में ब्लू जोन्स हैं जी। जापान में, यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर पे हुंजा वैलीस है, वहाँ पे 120 साल तक लोग जीते हैं और वहाँ पे कैंसर, हार्ट डिजीज, जॉइंट्स पेन, डायबिटीज वर्ड ही नहीं है बिल्कुल भी जी। तो कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग नेचुरली जो ग्रोन होता है होलसम फूड वो खा रहे होते हैं, जिसमें फ्रूट्स का भी मात्रा ज़्यादा है, सैलड्स की मात्रा ज़्यादा है और मीट बहुत कम से कम खाते हैं वो लोग। तो सवाल क्या होता है कि ये एक सिविलाइज्ड डिजीज है, मैं यूँ बोल सकता हूँ। ग्रोथ ने आपको बीमारियाँ भी दे दी। अब आप बात करें तो दिल्ली की हवा खतरनाक प्रदूषण, हम कह रहे हैं कि पहुंच गई है। इतने बुरे लेवल पर पहुंच गई है कि दिल्ली की हवा में जहर है, कार्सिनोजेनिक हवा है, कैंसरस हवा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, अभी ये कैसे बचेंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि हम जितना रॉ फूड लेंगे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन उससे मिलेगा और हमारी बॉडी की जो अल्कलाइनिटी है वो जितनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में कैंसर डेवलप होता है और अल्कलाइनिटी में कैंसर समाप्त हो जाता है जी। तो जितना हम अल्कलाइन होते चले जाएंगे और प्लस हमारे एक्सरसाइज करके और माइंड को रिलैक्स करके हम जितना बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे, तो फिर कितने भी नेगेटिव फैक्टर्स, पॉल्यूशन, खराब पानी, खराब केमिकल्स आने दो, हमारी बॉडी कम से कम उसको लंबे समय तक फाइट तो कर सकती है ना जी। तो इसलिए क्या होता है कि अब हम कितनी चीजों के ऊपर फाइट करेंगे, उससे सबसे बेटर यही है कि यू इंक्रीज योर वाइटल फोर्स, दैट्स ऑल। तो उससे क्या होगा, वी विल बी एबल टू फाइट एवरीथिंग जी। आपने जो कहा कि कच्चे रॉ फूड फ्रूट, सब्जियां, सैलड, जूसेस, ये लीजिए। हाँ, ये आपको लेना चाहिए। अगर बाहर का माहौल भी ऐसा है कि हवा खराब है या आपके आसपास जिस तरह कह रहे हैं मोबाइल टावर्स लगी हैं वो रेडिएशन छोड़ रहे हैं, आपका मोबाइल खुद का है, आपने 10 चीजें इस तरह के वाईफाई जोन घर में लगा लिया है, तो वो आपके लिए
वो सब माहौल तैयार कर रहा है कि कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं ऐसे अगर माहौल में आप लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी के फूड थोड़ी है, बॉडी हैज टू फाइट विद देम। तो एक ही तरीका क्या मालूम है कि कम से कम आपका माइंड तो पॉजिटिव रहे जिससे बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट ना हो, आपका खान पान तो कम से कम पॉजिटिव अल्कलाइन रहे, नेचुरल रॉ फूड रहे। तो जितना नेचुरल रॉ फूड होगा बॉडी की इम्यून सिस्टम बड़ी स्ट्रांग रहेगी, और अगर थोड़ी एक्सरसाइज योगा प्राणायाम वगैरह लोगों के जीवन में रहेगा तो थोड़ा सा टॉलरेंस और एंड्योरेंस बॉडी की बढ़ जाएगी, और इस तरह से क्या होगा कि कम से कम हम अपने आप को ही मजबूत बनाएं। अब वही रास्ता बच गया है आज के जमाने जी, में जी। तो रॉ फूड पर आप कह रहे हैं, रॉ फूड, सैलेड, सब्जी, और स्ट्रेस की मैं बात करना चाहूंगी। स्ट्रेस हाँ, का कितना बड़ा रोल होता है इतनी खतरनाक बीमारी का एक वजह बनने में? देखिए, अगर आप पूछोगे ना कि रॉ फूड और स्ट्रेस में किसको पहला नंबर दोगी, तो मैं स्ट्रेस को पहला नंबर दूंगा। क्यों मालूम है? देखिए, अभी मैं एप्पल बादाम खा रहा हूँ और मेरा दिमाग किसी बात को तनाव ले रहा है, तो मेरा एप्पल बादाम भी मेरे को काम नहीं करने वाला है। क्यों? मैं तो बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अनहैप्पी मूवमेंट में हूँ, मूड में हूँ, तो मेरी बॉडी मेरा हार्मोन सारे नेगेटिव हो जाएंगे मेरी बॉडी में। तो इसलिए क्या होता है, माइंड इज द प्राइमरी, फूड इज द सेकेंडरी, एंड एनवायरमेंट इज द थर्ड। तो इसलिए इन चीज़ों पर हमें केयर करना पड़ेगा। देखिए, मैं भी इसी पोल्यूशन में जी रहा हूँ, इसी पानी को खा रहा हूँ, इसी में खाने को मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन हमें इतना सा भी, हम भी सुबह घूमने जाते हैं इसी पोल्यूटेड हवा में, हमें कभी भी ब्रेथलेसनेस नहीं होती। क्यों? हम लोग रॉ फूड के ऊपर रहते हैं और हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है कि हम ये केमिकल की कोई चीज़ चली भी जा रही है, पानी से जा रही है, खाने से जा रही है, हमारी बॉडी टॉलरेट करके अपने आप फेंक देती है, क्योंकि आजकल फलों में भी बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं। तो कहाँ तक बचेंगे? कैसे माहौल में रहे हैं? नहीं नहीं, तो कैसे बचेंगे पानी? तो इसीलिए क्या होता है कि आप कोशिश ये करें कि रॉ फूड खाने से क्या होता है कि आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली नेचुरल डिस्टिल्ड वाटर जा रहा होता है। अगर मैं मान लो फल खा रहा हूँ, सलाद खा रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ, तो मुझे तो बाहर के पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती ना जी। देखो ना, मैं जितना कुक फूड खाऊंगा, फ्राइड चीजें खाऊंगा, मसालेदार चीजें खाऊंगा, ऑयली चीजें खाऊंगा, सॉल्ट खाऊंगा, तब मेरी बॉडी को पानी की मांग आएगी ना जी। तो अगर मैं चीजें कम से कम खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी की डिमांड ही कम हो गई पानी की जी। और मेरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है रॉ फूड से, और बॉडी को राइट न्यूट्रिशन मिल रहे हैं जिससे मेरी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी अच्छी बढ़ती जा रही है। तो एक ही रास्ता है कि इंक्रीज योर ओन पावर बाय एक्सरसाइजेस, राइट फूड एंड राइट माइंड, दैट वही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड है, यू समझ लो आप जी। आपने पानी की भी बात की, पानी भी एक वजह है जिससे कि आपको शरीर में कैंसर पनप सकता है। आप हाँ, देखिए क्या होता है कि देखिए पानी में सर्टन कई जगहों पे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी उनको जब निकाल नहीं पाती तो एक जगह जाके स्ट्रक होना शुरू कर देती है। कई केमिकल डैमेजिंग भी होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे कैंसर के मरीज भी आए कि पानी के उनके गांव का पानी ऐसा था कि वहाँ पे जनरली लोगों को कैंसर होता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि शायद कि पंजाब में अभी जो आप जानते हैं वहाँ पे एक जगह है जहाँ से सब लोग बीकानेर जा रहे होते हैं, वहाँ पे कैंसर ही कैंसर है, वो कैंसर सिटी है। कुल मिला के जिस तरह आपने बताया कि आप रॉ फूड लें, आप एक्सरसाइज करें, आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ी वजह है किसी भी बीमारी के होने की और कैंसर के होने। देखिए, स्ट्रेस ना ले बोलने से लोग स्ट्रेस से मुक्त नहीं हो जाते। They must become creative in their mind. They must learn to help the people to come out of stress. They must go for meditation or some prayers every day. So they must believe in some universal force. Pent up energy ko release karna chahiye. हाँ, क्यों, क्या होता है? आप जब तक किसी न किसी शक्ति पे भरोसा नहीं करोगे दुनिया में, आप फेथ पैदा नहीं करोगे, आप होप पैदा नहीं करोगे, आप ध्यान नहीं करोगे, तो क्या होता है कि फिर आप स्ट्रेस कितने भी लेक्चर दे दूं कि स्ट्रेस निकालो, तो स्ट्रेस जाने वाला नहीं है। आप स्ट्रेस बूस्टर, स्ट्रेस जो रिलीज करने वाला जो फैक्टर है वो है खेलो, हंसो, क्रिएटिव बने रहो, लोगों की मदद करो, सोशल वेलफेयर करो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो मेडिटेशन करो जी। बस उससे भी क्या होगा, एक आपकी एंड्योरेंस और टॉलरेंस मेडिटेशन से हाई हो जाएगी, उससे आप बड़े से बड़े स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाते हो जी। इस तरह से, तो इसलिए ये सब मेथोडोलॉजी है जिससे हम आज कैंसर से बच सकते हैं जी। तो अब देखिए, अब कैंसर पैदा करने की तो सरकार की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी हमने पूरी सुविधाएं पैदा कर ली है, इसलिए कैंसर तो बच नहीं सकते। अभी 300% बोला है, अगले कुछ 2-4-5 सालों में इसको 500% भी बोल सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि अब चारों तरफ कैंसर को पैदा होने की पूरी तैयारी कर ली है सब ने जी। अब अगर हम जाग गए और रिवर्स हो गए तो फिर हम शायद कुछ कर पाएंगे। देखिए, आज अमेरिका लंदन में भी आपको जानकर के हैरानी होगी कि पीपल आर टर्निंग इनटू वीगनिज्म।
लोग वीगन बनते जा रहे हैं, लोग एनिमल प्रोडक्ट से छुटकारा पा रहे हैं, प्रोसेस फूड से छुटकारा पा रहे हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड वहाँ पे कॉमन होता जा रहा है। अमेरिका के हर मॉल में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ सब लोग ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड कि जब तक हम नेचर के साथ नहीं जुड़ेंगे और होलसम फूड के साथ नहीं जुड़ेंगे, ये कैंसर तो ऐसे आते ही रहेगा जी, और बहुत सारी बीमारियां, हाँ, इसी तरह की फैटल बीमारियां। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आखिर मेरा सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपकी एक व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए और इस तरह की खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए उस सुबह से लेकर रात तक की उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसे क्या क्या खाना चाहिए और क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि नॉनवेज से बचे, क्योंकि वो टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं बॉडी के लिए जी। तो इसीलिए, और उसमें उसको पकाए बिना तो कोई कच्चा तो खाता नहीं है, तो पकाए खाता तो फैट जो है हीट हो जाती है, तो वो एक डेंजरस जोन है जहाँ से बीमारी होती है जी। दूसरा, मिल्क एक बहुत डेंजरस फूड है क्योंकि वो हार्मोनल फूड है और उसका बहुत बड़ा रिलेशन है चीज़ का भी, पनीर का भी, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर प्रोस्टेट कैंसर से लेकर, तो दूध का बहुत बड़ा रोल होता है जी। तो मिल्क प्रोडक्ट जो है वो बहुत नहीं के बराबर यूज़ करें, यानी तो कम से कम खाएं, क्योंकि वो बॉडी में पूरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस करता है। और तीसरा, डेफिशिएंट फूड जो मैदा, चीनी, रिफाइंड ऑयल जो हमारे लाइफ में घुस गया, उसको आप बिल्कुल निकाल दें और उसकी जगह आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे तेल और बाजार में आ गए हैं, और होलसम ग्रेन, होल ग्रेन जो होते हैं वो खाने की कोशिश तो करें। कौन सा ऑयल किचन में यूज़ करना चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं कहूँ तो अभी इंडिया के हालात के हिसाब से सरसों का तेल और घी जो है हमारे यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इनको इस्तेमाल करें, और नहीं तो आजकल तो कई तरह के हमारे यहाँ पे अनरिफाइंड वो भी आ चुके हैं ऑयल, तो उसमें आप तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, आजकल ये खादी भंडार में भी जो है ना ऐसे मिल जाते जी, हैं जी, जी। तो मतलब अब आजकल इस तरह के अनरिफाइंड ऑयल जो है ना मिलने लग गए हैं जी। तो आप उनको जो है इस्तेमाल करें, नहीं तो भारत में जो मैं अभी तक देखता हूँ कि या तो तिल ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, मूंगफली, और या नहीं तो सरसों या घी, तो बस इनका आप इस्तेमाल करें। और ऑलिव ऑयल जो है वो तो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री का एक तेल है, लोग तो अन्य सिर्फ पागल होकर ऑलिव ऑयल खा रहे होते हैं, नहीं तो ऑलिव ऑयल भी अच्छा है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, और कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है, बता रहा हूँ खाने के लिए, चौंक मारने के लिए। तो इस तरह से ये सारे ऑयल्स को हम इस्तेमाल, लेकिन कम मात्रा में करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जितना हमारा फूड जो है सॉल्ट में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, और चाय कॉफ़ी जो है वो बॉईल कर करके ना पिएं, चाय टी बैग्स टाइप की पिएं, क्योंकि नहीं तो वो बहुत हाईली टॉक्सिक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, और बेसिकली कोई सब्जियां फ्राई ना करें, अगर फ्राई की हुई सब्जी कभी खानी है ना तो ओकेजनली खा लें, लेकिन रेगुलर खाने में कभी भी फ्राइड सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्यों, वो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इस तरह से। और भूख लगे तो खाना है और नहीं तो नहीं खाना है, क्योंकि देखिए बेसिकली बॉडी में जब तक पॉइजनिंग क्रिएट नहीं होती ना, कैंसर डेवलप नहीं होता। आपको जानकर के हैरानी होगी कि बॉडी ही सबसे पहले कैंसर की दुश्मन है जी। हमारे बॉडी में रोज कैंसर सेल डेवलप होते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं करते क्योंकि उनको सॉइल अवेलेबल नहीं होती जी। लेकिन अगर हमने सॉइल अवेलेबल कर दी बॉडी को, यानी कि डेफिशिएंट कर दिया, इम्यून सिस्टम को लो कर दिया, तो फिर कैंसर को जबरदस्ती पैदा होना पड़ता है। बॉडी नहीं पैदा होने के लिए संघर्ष करती है और हम बॉडी में कैंसर पैदा होने के लिए संघर्ष करते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि रॉ वेजिटेबल वो खुद ही इस तरह के सेल्स को, इस तरह की वजह बिल्कुल बिल्कुल खुद ही खत्म कर देगी बॉडी अपने आप में। अगर आप जितना ब्लड अल्कलाइन होगा यू विल बी ऑन सेफर साइड जी, और जितना ब्लड एसिडिक होगा, जो हम ये नॉन वेज ने मैदा, चीनी, चाय, कॉफी, इस और स्पेशली शुगर बहुत डेंजरस होती है इसके अंदर जी। कैंसर में शुगर को तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, नहीं तो उससे कैंसर और जल्दी। देखिए, चीनी का इस्तेमाल ना करें, गुड़ का इस्तेमाल करें। देखिए क्या होता है, शहद का इस्तेमाल करें। देखिए, जो कैंसर है ना, ट्यूमर, उसके तीन दोस्त हैं, एक तो शुगर जी, एक एसिडिक एनवायरनमेंट और एक नॉन ऑक्सीजन लेस एरिया जी। तो इसलिए आप जितना ऑक्सीजन से कम जीते हो उसको और फीडिंग मिलती है जी। हाँ, और जितना शुगर जाएगा कैंसर ग्रो करता जाएगा, और जितना एसिडिक एनवायरनमेंट होगा कैंसर कभी नीचे आएगा ही नहीं जी। तो इसलिए केमोथेरापी लोग लेते हैं, कई तरह की मेडिसिन लेते हैं, ब्लड और एसिडिक होता है वो कभी ठीक नहीं होते, खाली टेम्पररी उसमें दब जाता है रोग, बस दैट्स ऑल इस तरह से। तो ऐसे थोड़ा लोगों को समझना पड़ेगा, एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी उनके अंदर जी। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि फल खाएं, सब्जियां खाएं, रॉ फूड खाएं, स्ट्रेस से बचें और कोशिश करें कि
आप खुद को स्वस्थ रखें, एफर्ट आपको ही करना होगा और बहुत सारी चीज़ों से बचना है, जिस तरह बताया कि तली हुई सब्जियां, ऐसा कुछ ना खाएं जिससे एसिड आपकी बॉडी में क्रिएट हो, क्योंकि बॉडी खुद ही लड़ रही होती है इस तरह के सेल्स को मारने के लिए, वही पहले से तैयारी कर रही होती है। लेकिन अगर ऐसा माहौल देंगे, शरीर में ऐसा खाना डालेंगे जिससे कि कैंसर के सेल पनपे, तो हो सकता है बीमारी बढ़े। लेकिन आपको अपनी डाइट, अपनी दिनचर्या ऐसी रखनी है, अपना माहौल आसपास का ऐसा रखना है कि ये आपके आसपास फटक भी ना पाए। तो आपके जाते जाते लास्ट मैसेज दर्शकों के लिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि बाहर के मंदिर ने आपका कभी कोई उपकार नहीं किया। साक्षात जीता जागता आपका शरीर आपका मंदिर है। इसके अंदर घटिया खाना मत डालो, इसके अंदर टॉक्सिक चीज़ें मत डालो। इस शरीर से प्यार करो, शरीर से प्यार करोगे तो शरीर भी आपको वही देगा जो आप इसको दे रहे हो। नहीं तो अगर आप इसके अंदर आप इसको गार्बेज बिन की तरह, कूड़ादान की तरह जो मर्जी आई डालोगे, तो आज नहीं तो कल आपका शरीर जो है साथ छोड़ देगा। तो इसलिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि कोई बीमारी शरीर में आना नहीं चाहती। शरीर बीमार पड़ने के लिए बना भी नहीं है। बॉडी इज नॉट डिजाइन टू बिकम सिक। आपको बीमारियाँ अर्न करनी पड़ती है मेहनत कर करके। तो इसलिए डोंट ईट एंड अर्न फॉर डिजीजेस एंड हॉस्पिटल्स। भैया, अपने लिए कमाओ और अपने हेल्थ के लिए जियो। क्या करोगे इतना सब पैसा कमा के जब हेल्थ ही नहीं है तो। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई, लव योर बॉडी, लव दिस नेचर, लव दिस प्लानेट, और कोशिश करो कि आप सबके साथ हार्मोनाइज होकर जिए। तो जिस तरह कहा कि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है, और जैसे आप डाइट लेते हैं, जितनी बैलेंस डाइट आप लेते हैं, जितनी न्यूट्रिशन वाली डाइट आप लेते हैं, वही सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।